Prince! स्वीट, रास्ता यहीं खत्म होता है प्रिंस. द कॉइन प्लीज. प्रिंस 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 प्रिंस, सारा ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ. यू नो, उसकी जगह अगर मैं होता ना तो उससे भी बुरा करता. शेरी, गुड. अब मुझे प्रिंस को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो कॉइन तुमने मुझसे चुराया था. कम ऑन प्रिंस, बी अ गुड बॉय एंड गिव मी माय कॉइन बैक. कॉइन एक और मांगने वाले दो. माया, गाइज गेट रेडी.
वेलकम वेलकम. हेलो मिस्टर शांतनु. अर्जुन सिंह सर. प्लीज हैव अ सीट जेंटलमैन. मैंने सोचा था कि आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, फिर मेरे पीए ने मुझे आपके टाइट शेड्यूल के बारे में बताया. थैंक यू अजय. थैंक यू सर. आई शैल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट मिस्टर दबानी. दो दिन पहले आपका 2 करोड़ का ड्राफ्ट और यह कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला. हमने इसे स्टडी किया एंड वी कैन वर्क ऑन इट. वेल देन आई गेस इट्स अ डील. सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है. आपने हमें 5% सर्विस चार्ज दिया है और हम 7% एक्सपेक्ट कर रहे थे. बिफोर वी डिस्कस दैट, मैं आपके फर्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और फैसिलिटीज देखना चाहूंगा. श्योर, लेकिन इसके लिए हमें 3rd floor पे जाना पड़ेगा. एंड वी कैन डिस्कस ऑन द वे. या श्योर, प्लीज फॉलो मी. मिस्टर शांतनु, साउथ अफ्रीका में हमारी 32 डायमंड माइंस हैं. इनसे निकलने वाले रफ डायमंड्स का ऑलमोस्ट 50% हम जयपुर सिटी भेजते हैं कटिंग और पॉलिशिंग के लिए. बट दे आर नॉट वेरी प्रोफेशनल. यही वजह है कि इस बार हम आपकी फर्म को ट्राई आउट करने जा रहे हैं. एक्सक्यूज मी, वी आर हियर. सर आइए. इस हफ्ते हम साउथ अफ्रीका से आपको 500 कैरेट्स डायमंड भेज रहे हैं. अगर क्वालिटी के साथ साथ डिलीवरी भी वक्त पर मिल गई तो हम ये कोटा इंक्रीज कर देंगे. दैट्स ग्रेट. सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज लुक एट द बिगर पिक्चर मिस्टर शांतनु. श्योर. सर, ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेक्शन है. 7 बजे वर्कर्स की शिफ्ट खत्म होती है, इसलिए रूम इस वक्त खाली है. एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंह. हाँ जी. इस यूनिट में पॉलिश डायमंड्स को मैच करके सॉर्ट एंड चेकआउट किया जाता है. एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट. श्योर. या मिस्टर जेठमलानी. जी हाँ, मैं मुंबई पहुंच चुका हूं. नहीं सॉरी, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकूंगा. इट्स ऑलरेडी 7. जी हाँ, एक काम करते हैं, मैं अपने सेक्रेटरी मिस्टर अर्जुन सिंह को आपके ऑफिस भेजता हूँ, वो पेपर्स कलेक्ट कर लेंगे. या ऑफकोर्स वील मीट एट द मिनिस्टर्स पार्टी. ओके अर्जुन सिंह. जी. तो मिस्टर जेठमलानी के ऑफिस जाकर उनसे पेपर्स कलेक्ट कर लो. हाँ जी. और होटल पहुंचो. तुम्हें बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे. चंगा जी. इस फ्लोर की हर दीवार पर 12 इंच थिक स्टेनलेस स्टील की पैनलिंग है. इस बिल्डिंग की ये सबसे सिक्योर जगह है. इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इन. इन विंडोज के सेक्शन डायमंड्स की सॉर्टिंग की जाती है, जिसके लिए एज यू नो नेचुरल लाइट का होना बहुत जरूरी है. हाय, अपना कोड पंच कर लेना. ओके. इन विंडोज के बाहर की ग्रिल 3 इंच मोटी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है. ओ माइक प्रावा किद्दा. सत श्री अकाल. जस्ट टू लेट यू नो आई मीन इट्स टाइम टू विन. रात को 8 बजे जब हम शट डाउन करते हैं तब इनमें 440 वोल्ट्स का करंट दौड़ने लगता है. इन्हें छूना 100% फेटल है. इस ग्रिल को ब्लास्ट करके भी तोड़ा नहीं जा सकता. I'm impressed. This is a pretty good setup. Shall we leave? Please, आइए. By the way, ये पूरी बिल्डिंग 24 घंटे क्लोज सर्किट कैमरा से मॉनिटर की जाती है. This place is like a fortress. I am happy we are in safe hands. It will be pleasure doing business with you. Thank you, Mr. Damani. I assure you, यहाँ ना कभी चोरी हुई है, ना कभी होगी. हमारी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा. Sandwich.
माइक, ऑल सेट? या, गुड, सो यू रेडी टू प्ले? या, वी इन पोजीशन, इट्स शो टाइम, वी आर ऑन. कुछ गड़बड़ है. प्रिंस. माइक, व्हाट्स अप? प्रिंस गार्ड्स ऊपर की तरफ आ रहे. व्हाट शुड वी डू? शुड वी अबॉर्ट? नो वे. माइक, प्लान बी. इट्स प्लान बी. I said, don't move, or we'll fire! It's showtime. It's showtime. It's showtime. सबसे बड़ी चोरी हुई है. हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये चोरी. दिस इज द बिगेस्ट हाइस्ट एवर रिपोर्टेड. जी हाँ, द बिगेस्ट हाइस्ट. अब देखते हैं आगे क्या होता है. कुछ ही देर में सीबीआई आ रही है यहाँ पर. नो कमेंट. इतने इंतजाम के बावजूद चोर चोरी कर ही गया. DCOI की यशोदा ने चाहे छीका दूर रखा हो, कान्हा माखन ले ही उड़ा. क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप लोग?
चोर है वो, कोई भगवान नहीं। तो सर आपको लगता नहीं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, इतने तालों के बावजूद वो चोरी कैसे कर सकता है? ताले सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं। तो सर चोरों के लिए क्या होता है? सलाखें। वन मोर क्वेश्चन सर। सिर्फ सलाखें। सर प्लीज। सर ये चोर वाकई बहुत होशियार था। अच्छा, हमारे पास जितना भी रिकॉर्डेड सबूत था हमारे वीडियो कैमरास के जरिए, उसने सब कुछ इरेज कर दिया, कंप्लीटली वाइप्ड आउट, क्लीन। कुछ मिला? गुड मॉर्निंग सर। तुम बड़े पॉजिटिव आदमी हो, हर क्राइम सीन में मिलते हो तो कहते हो कि गुड मॉर्निंग सर। कोई मर जाए तो गुड मॉर्निंग सर, कहाँ बम फट जाए तो गुड मॉर्निंग सर। सर आप सीनियर हैं और गुड मॉर्निंग बोलना तो मेरी ड्यूटी है सर। तुम्हारी ड्यूटी मुजरिम को पकड़ना है। एनी क्लूज? नो सर, फिंगरप्रिंट्स तो सिर्फ स्टाफ के लोगों के मिल रहे हैं, बाकी किसी के नहीं। ये मार करो। सर बड़ा ही शातिर चोर है, दो चार नहीं पूरे किलो के हिसाब से डायमंड्स गायब हुए हैं सर, और वो भी इस जरा से होल में से। सर समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जहां वो आता है वहां कुछ भी हो सकता है। वो कौन सर? प्रिंस। Thank you.
कौन हो तुम? ये आप क्या कर रहे सर? सर सर क्या कर रहे सर? कौन हो तुम? आपका नौकर सर, पप्पी की। इसका मतलब आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है सर? मैं, मेरा नाम क्या है? आपका नाम वो है सर। वो क्या? प्रिंस। आपका नाम प्रिंस है सर, प्रिंस। प्रिंस, ये घर आप ही का है सर? सर सिटी में आपका एक और घर है, यहाँ तो आप अक्सर वीकेंड्स के लिए आते हैं। 3 दिन पहले आपने मुझे अपने सिटी वाले घर से फोन किया और वहां बुलाया। मैं बिल्डिंग के कंपाउंड में पहुंचा ही था कि आपकी वो आ गई। वो क्या? आपकी कार सर। आपके हाथ से खून बह रहा था। मैंने आपसे पूछा कि ये चोट कैसी, तो आपने मुझे डांट दिया सर। फिर मैंने आते आते रास्ते में वापस आपसे पूछा कि डॉक्टर के पास चले, तो आपने फिर से मुझे डांट दिया। सर पूरे रास्ते आप मुझे डांटते रहे और हम यहाँ आ गए। और तब मुझे सब याद था? बिल्कुल याद था सर, सब कुछ याद था। आपने मुझे बोला कि बेडरूम के ड्रॉर में से वो लेके आओ फर्स्ट एड बॉक्स। मैं लाया सर, आपका बैंडेज भी किया, लेकिन आप बेहोश हो गए। और होश आते ही आपने कस के मेरा गला पकड़ लिया। फिर सर मैं गला छुड़ाऊं कुछ बोलूं उससे पहले आप मेरा गला छोड़कर अपना सर पकड़कर खुद ही बेहोश हो गए। अब ना मैं आपको आपकी कंडीशन के बारे में कुछ बता पाया, ना गाड़ी की। गाड़ी की कंडीशन बहुत बुरी है सर। ये देखिए बुलेट होल्स, एक यहां और एक यहां, दो दो। सर मुझे लगता है किसी ने आपका पीछा किया और आपको मारने की कोशिश की है। सर बिटवीन यू एंड मी, गोली दो ही तरह के लोग चलाते हैं, एक तो गुंडे और एक वो पुलिस वाले। इसीलिए नो डॉक्टर नो पुलिस, राइट सर? सर सिटी में आपका एक और घर है, आपका नाम वो है सर। वो क्या? प्रिंस। सर मुझे लगता है किसी ने आपका पीछा किया और आपको मारने की कोशिश की है। सर आपके लिए और कुछ लेके आऊं? ठीक है सर। पीके, मैं काम क्या करता हूँ? इधर उधर करते हैं सर आप, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म में काम करते हैं। सर मेरे पास आपका एक कार्ड भी है, ये लीजिए। आगे आपका ऑफिस सर। I'm reporting live from the headquarters of Wolf International. As you can see behind. लेकिन ये क्या? Blue shirt, black jacket. ये तो पुलिस है। आपके ऑफिस के नीचे पुलिस यहाँ क्यों? पुलिस पता है सर? पुलिस? पीके, तुमने कहा था कि मेरा यहाँ शहर में एक अपार्टमेंट है। है ना सर? नजदीक में ही है। किस तरफ? आगे से लेफ्ट। चलिए सर। चलते रहिए सर। अपनी बिल्डिंग आगे है। पुलिस? पुलिस नहीं सर, हमेशा ब्लू कपड़ों में पुलिस नहीं होती है। ये ऑरेंज जैकेट है, म्युनिसिपैलिटी। कचरा उठाने आए होंगे ये लोग। पुलिस नहीं? हाँ, पुलिस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सर सर मैं घर चलूं सर? जाओ। थैंक यू सर। वेट, अगर मैं
24 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। तुम हो कौन? प्रिंस। ये हैं आपके MRI स्कैन्स, दे ऑल क्लियर। आपका नर्वस सिस्टम परफेक्ट ऑर्डर में है। आपके स्कल में किसी अंदरूनी मार या खरोच का कोई निशान नहीं है। आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। पिछले दो दिन की हर बात आपको ठीक से याद भी है, लोगों के नाम, जगह का पता, गाड़ी चलाना, यहाँ आना। आप हर वो काम कर सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी होते हैं। तो फिर ये मेरी याददाश्त अचानक क्यों खो गई? ह्यूमन ब्रेन को अब तक मेडिकल साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाया है। आपका केस बहुत स्ट्रेंज है मिस्टर प्रिंस, बट ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर इसमें वक्त लग सकता है। यू विल हैव टू बी पेशेंट। प्रिंस, सुना था तुम बहुत तेज हो, आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। सो एम आई। बुलेट्स वेस्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, सो बेटर डोंट मेक एनी स्मार्ट मूव्स। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम जो भी चाहते हैं तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ना कम ऑन। Good work, Roy. And welcome to iGRIP, Prince. Indian Government Research and Intelligence Portfolio. तुमने हमारे इस यूनिट के बारे में कभी नहीं सुना होगा। You're talking to Colonel Khanna, Bureau Chief. Let me come straight to the point, Prince. वो कॉइन कहाँ है? कॉइन? कौन सा कॉइन? वही एंटीक गोल्ड कॉइन जिसका सौदा तुमने सारंग के साथ किया था 50 करोड़ रुपए में। यस, वी नो। इंफॉर्मेशन हासिल करने के कई तरीके हैं, इसलिए बेटर है कि तुम जल्दी बता दो, वेयर इज दैट कॉइन? मैं किसी गोल्ड कॉइन के बारे में नहीं जानता। सो यू वांट टू एक्ट टफ? नॉक इट अप, कम ऑन। Start the brain mapper. Let's load his memory. Take note of it.
दिस इज अनबिलीवेबल कर्नल, इसके सिर्फ एक दिन की मेमोरी है. सर, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक और बार कोशिश करो. ओके, ट्राई वंस अगेन. बट यू नो कर्नल, पहले की सारी इंफॉर्मेशन गायब है और ऐसा लगता है कि जैसे इसने ये कॉइन खुद पे इस्तेमाल किया है. खुद पे? लेकिन क्यों? इस कॉइन के पीछे न जाने कितने लोग हैं. हम भी इंडिया छोड़ के आए हैं सिर्फ इस कॉइन के लिए. इस कॉइन को छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्तेमाल करके सब भूल जाना बहुत आसान. सर, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए, शायद इसे खुद याद आ जाए. जैसे जैसे इसकी याददाश्त और लाइफ नॉर्मल होगी. नॉर्मल? ये प्रिंस है रॉय, ना तो इसकी लाइफ कभी नॉर्मल थी ना होगी. टेक हिम. तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और उसकी वजह है वो कॉइन. इसलिए मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता देता हूं. सारंग तुम्हें उस कॉइन के 50 करोड़ रुपए देना चाहता था. तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी होगी कि वो कॉइन तुम्हारे हाथ में था और फिर आएगा, क्योंकि ये काम तुम अकेले नहीं कर रहे हो. तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारा पार्टनर. पार्टनर कॉन्टैक्ट करे तो उसे बताना कि उस कॉइन की कीमत तुम सोच रहे थे वो उससे कहीं ज्यादा है. सारंग तुम्हें 50 दे रहा था, हम तुम्हें 100 देंगे. डू यू अंडरस्टैंड? वो कॉइन तुम्हारा भगवान है, वो ही तुम्हारी जान बचा सकता है. लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है. 4 दिन के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं. टेक हिम. Club 9 p.m. Maya? अरे सर, यही तो सारंग साहब है, आपके बॉस. तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं बल्कि कोई गलत काम करता हूँ? कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं. आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं. एक्चुअली सर, एक बार मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने आपसे जितने मांगे आपने तो मुझे उसके डबल दे दिए सर. तुम किसी माया नाम की लड़की को जानते हो? लड़की नहीं सर, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके साथ ही काम करती है. इनफैक्ट आपने तो मुझे ये भी कहा था कि आप उनके साथ शादी करने वाले. तुम्हारे पास माया का नंबर होगा? मेरे पास कहां से होगा सर, नंबर तो आपके मोबाइल में होगा, लेकिन वो तो उस रात ही खो गया था. माया. छू लेने दे
एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई माया? लगा मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। Oh God, I was so scared. तुम्हारा हाथ अब कैसा है? अपनी माया को पहली बार देखा क्या? प्रिंस, I'm sorry. Honestly, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। माया? तुम्हारी यादें जा चुकी हैं, पर मेरा प्यार नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी हमारी कहानी, उन खूबसूरत लम्हों की कहानी जो हमने साथ गुजारे। लेकिन प्यार के उन चार पलों को किसी की नजर लग गई। सारंग, शरीफों के कपड़ों में घूमने वाला, डरबन का सबसे बड़ा क्रिमिनल। लेकिन सारंग की असली ताकत थे तुम, His number one man. सारंग के साथ खेलना तो कुछ लोगों की किस्मत में जरूर था, लेकिन सारंग से जीतना किसी की नहीं। हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, एक ऐसी जिंदगी जिसके पल हमारे अपने हों, सारंग से चुराए हुए नहीं। तुम सारंग के बारे में सब कुछ जानते थे। सारंग के बारे में इतना जानने वाले को सिर्फ उसकी मौत सारंग से अलग कर सकती थी। लेकिन मौत से तुम डरे ही कब थे? माया, मैं सारंग का कॉइन चुराने वाला हूँ। कॉइन? हाँ, सारंग का कॉइन। वो कोई ऐसा वैसा कॉइन नहीं था। 3,000 साल पहले उसे श्रीलंका में बनाया गया था, और कहते हैं कि उसका सोना रावण के रथ से निकला था, और ये भी कहते हैं कि उसमें जादुई शक्तियां हैं। तुमने प्लान बनाया कि तुम कॉइन चोरी करने के बाद मुझे घर पर लेने आओगे। लेकिन उस रात जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हेलो माया, प्रिंस कहाँ हो तुम? माया, माया मुझे गोली लगी है। क्या? रिलैक्स, I'll be fine, listen to me. मैंने सारंग का कॉइन चुरा लिया है, लेकिन उसके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। प्रिंस, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माया, लेकिन तुम वहाँ सेफ नहीं हो। Get out of there immediately. Go somewhere safe. मैं तुम्हें बाद में कॉन्टैक्ट करूंगा, ओके? माया, I love you too. प्रिंस, इंतजार के अलावा मैं और कर भी क्या सकती थी? भाड़ में गया सारंग, उसका कोई ना वो करोड़ों रुपए। यू नो, रूबी केपटाउन में एक बार के मालिक को जानती है, मैं वहां नौकरी कर लूंगी। तुम बस प्लीज, तुम प्लीज सारंग को उसका कॉइन लौटा दो, ताकि वो हमारी जान छोड़ दे, राइट? वो कॉइन मेरे पास नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुमने कॉइन को कहीं छुपा दिया है। वो कॉइन ही सारंग से हमारी जिंदगी लौटा सकता है प्रिंस। मैं सब कुछ भूल चुका हूं, और जब तक वो कॉइन नहीं मिलता, तुम्हें रूबी के पास ही रहना होगा। उस कॉइन के लिए और भी कई लोग मेरे पीछे हैं। आई एम नॉट सेफ। कॉइन मिलते ही मैं खुद तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा, ओके? ओके, पर तुम कॉइन को ढूंढोगे कहां? सारंग तुम्हें उस कॉइन के 50 करोड़ रुपए देना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे साथ है? वो कॉइन तुम्हारा भगवान है, वो भी तुम्हारी जान बचा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है। चार दिन के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं। हेलो प्रिंस, मैं माया बोल रही हूँ। माया? हाँ माया, मैंने तुम्हें कहा था कि देखो तुम मुझे इमीडिएटली बोट क्लब पर। तुम ठीक तो? हाँ, मैं तुम्हारा पियर नंबर 4 पर इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो, ओके? माया,
Beer number 4. Prince. Oh, Prince. Thank God you're okay. I was so worried. अब हाथ कैसा है? दो दिन से ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा मोबाइल तो लग ही नहीं रहा है और तुमने भी कांटेक्ट नहीं किया. फाइनली आई स्पोक टू सारंग और 24 आवर्स का टाइम ले लिया है. वैसे भी इतना टाइम तो हमें लगेगा ही ना. कौन हो तुम? क्या हो गया तुम्हें प्रिंस? मैं माया हूँ. तुम माया नहीं हो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं और उसका इस्तेमाल कर रही हो. क्यों? कौन हो तुम? ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस? क्या हुआ है तुम्हारी याददाश्त को? मैं माया हूं, सीबीआई ऑफिसर माया मल्होत्रा, तुम्हारी माया. गन. तुम्हारा आईडी. सीबीआई ऑफिसर प्रिंस. सीबीआई. और यह है तुम्हारी पार्टनर का, यानी कि मेरा, ऑफिसर माया मल्होत्रा. हम सीबीआई के चीफ ऑफिसर खान के साथ काम कर रहे हैं. अब यकीन हुआ? ये कार्ड झूठे भी तो हो सकते हैं. झूठ? जानते हो ये क्या है? सारंग के घर का मैप. और ये है सारंग की केस फाइल, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं. हम यहां सारंग को अरेस्ट करवाने आए थे. ऑपरेशन डर्बन अंडरकवर स्टेज 1, सारंग का विश्वास जीतकर उसके साथ काम करना. स्टेज 2, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना. पर सारंग तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सारंग साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है. इसलिए हम खुद चोर बने और 3 हाई प्रोफाइल रॉबरीज की, पेरिस, जकार्ता और डायमंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. और उसके बाद सारंग की नजर हम पर पड़ी. उसने खुद हमें कांटेक्ट किया और उसे ज्वाइन करने का प्रपोजल दिया. फिर उसने हमें केप टाउन के नेशनल म्यूजियम से एक एंटीक कॉइन चोरी करने का काम दिया. हमारा प्लान ये था कि चोरी करके जब हम सारंग को कॉइन की डिलीवरी करेंगे, तब ऑफिसर खान हमारी टीम के साथ उसे रंगे हाथ अरेस्ट कर लेंगे. डर्बन पुलिस हमारे पीछे थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि हम अंडरकवर हैं. उस दिन से जो हम अलग हुए तो आज मिले हैं. बहुत काम बाकी है प्रिंस, एंड आई कांट डू इट अलोन, आई नीड यू. और एक बात है, हम सिर्फ सीबीआई के लिए पार्टनर्स नहीं है, लाइफ पार्टनर्स भी हैं. ये लीजिए कॉफी, सर के लिए बिना शक्कर बिना दूध और मैडम के लिए शक्कर और दूध अलग से, राइट? तुम्हें नाम के अलावा और सब कुछ याद रहता है ना? नाम में क्या रखा है माया मैडम. वैसे बड़ा अच्छा हुआ सर को आप मिल गई, वरना इनके सवालों के वो दे देकर हम तो वो हुए जा रहे थे पागल. पीके. ओके सर. मेरे घर का बेवकूफ नौकर कहता है कि मैं सारंग की कंपनी वुल्फ इंटरनेशनल में काम करता हूँ. एक अनजान लड़की मुझसे मिलकर कहती है कि सारंग एक गैंगस्टर है और मैं उसका राइट हैंड हूँ. और अब तुम कह रही हो कि मैं सीबीआई का एक अंडरकवर एजेंट हूँ जो सारंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे. सारंग कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसके ऑफिसेज हैं. वो डर्बन से ऑपरेट करता है, लेकिन उसके कनेक्शंस इंटरनेशनल कार्टल्स के साथ हैं. मैं ये नहीं जानती कि उस लड़की ने तुम्हें कितने झूठ बोले हैं. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है,
क्योंकि सारंग के कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री से लेकर मीडिया तक हर जगह फैले हुए हैं। सारंग अपने बड़े से बड़े दुश्मन को किसी भी हद तक जाकर खत्म कर सकता है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सारंग जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है, और अब उसकी नजर सिर्फ उस कॉइन पर है जिसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रिंस, तुम नहीं जानते सारंग कितना खतरनाक आदमी है। Any news? No, sir. Nothing yet. Sarina को contact करो, पता करो कि प्रिंस और उसकी माया कहाँ है। वो लड़की आज नहीं आई जो कल यहाँ डांस कर रही थी? ऐसी तो कई लड़कियां यहाँ रोज आती हैं। पता जानते हो उसका? पता तो पता नहीं। Your drink. ये मेरा नंबर है और ये तुम्हारा, पता पता चल जाए तो फोन कर देना। क्या आया था? तुम्हारा पता पूछ रहा था। क्या? 25,000 का ऑफर दिया है, क्लब बंद होने से पहले 50 भिजवा दो। ओके। नमस्कार, न्यूज़ वन में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रज्ञा। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर विनोद सिंह के बेटे राहुल सिंह की एक प्लेन हादसे में मौत हो गई। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि राहुल सिंह अपने प्राइवेट जेट प्लेन की टेस्ट फ्लाइट ले रहे थे। माइक, सॉरी सर, मैं अभी आता हूँ सर। For God's sake, Priya. You know I'm with Sarang. Just shut up, Mike. This is an emergency, okay? We're in trouble. Prince Candy Club वापस आया था। Oh my God, वो वहाँ क्यों आया था? कल मुझे ढूंढते यहाँ पर आ जाएगा। प्रिया, मैंने तुम्हें शुरू से तुम आज रात क्लब बंद होने से पहले टोनी को 50,000 पहुंचा देना, ओके? ये कॉइन का चक्कर छोड़ो प्रिया, सारंग और प्रिंस दोनों को धोखा देना आसान नहीं है। माइक, तुम जानते हो मैं जो भी कर रही हूँ हमारे लिए कर रही हूँ। You know I love you. क्या सोच रहे हो? कॉइन के बारे में। मुझे मेरा प्रिंस मिल गया ना,
तो प्रिंस को भी कॉइन मिल जाएगा। जाना तो नहीं चाहती लेकिन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करना है, वो तुम पर शक करने लगे हैं। और सारंग से भी टाइम मांगना है। But don't worry, मुझे पता है कि तुम्हें कॉइन जरूर मिलेगा। ओके? खान, मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे इस्तकबाल के लिए यहीं डेरा डाले बैठे हैं। कितनी खुशी की बात है। कॉइन रॉबरी में सीबीआई इन्वॉल्व थी और तुमने हमें बताया तक नहीं। सर, मुझे पता ही नहीं था कि आई ग्रिप को कॉइन में भी इंटरेस्ट है। 1 अगस्त के सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि आई ग्रिप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सीबीआई से भी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैंने वो सर्कुलर पढ़ा ही नहीं। कॉइन रॉबरी केस में क्या हुआ? माया ने प्रिंस को लोकेट कर लिया है एंड वी ऑलमोस्ट रेडी टू नैब सारंग। हमें सारंग से कोई मतलब नहीं, हमें वो कॉइन चाहिए खान, किसी भी कीमत पर। ठीक है सर, कॉइन आपका लेकिन सारंग हमारा। ओके। तुम जो भी करोगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे देते रहना। तुम्हें ही क्यों, हमें तो सारंग को भी बता देना चाहिए कि हमने उसे पकड़ने का क्या प्लान बनाया। एक्चुअली हम एक अखबार क्यों नहीं खोल देते, टाइम्स ऑफ क्राइम। खान, डोंट एक्ट स्मार्ट। रॉय, आई एम स्मार्ट। पीके, ठीक से याद करो। आई नीड टू नो एग्जैक्टली, उस रात हम कहीं भी रुके थे क्या? कहीं भी नहीं सर, मैंने आपको कितनी बार बताया है, उस रात जो उस घर से हमारी गाड़ी चली तो सीधा इस घर के गैराज में आके रुकी, बस। गाड़ी करता रहता हूं मैं तो अपनी परछाई का। कोई भी तो जाने ना आलम मेरी तन्हाई का, पीछा करता रहता हूं मैं तो अपनी परछाई का।
Hi, baby. Maya, guess what? मुझे कॉइन मिल गया. That's amazing, Prince. Yeah, I know, it's amazing. अच्छा अब बताओ, अब क्या करना है? सारंग इस वक्त अपने फार्म हाउस पे है, सैंटा कबाना. मैं उसे कांटेक्ट करके कॉइन की डिलीवरी अरेंज करती हूँ. इधर सारंग अपने आदमियों के साथ पहुँचेगा, उधर ऑफिसर खान अपनी CBI टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए तैयार होंगे. पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के सारंग कहीं नहीं जा पाएगा. It's called Wild Extreme. Everything is set. Khan apni team ke saath pahunch rahe hain. कॉइन कहाँ मिला? मेरे जूते की हील में. सारंग, फ्रेंड्स, माय नंबर वन मैन, सुना है गोली लगी है? आई वॉज वरिड. वेयर इज द कॉइन? वेयर इज आवर मनी? कॉइन. कुछ गड़बड़ है ना? सब कुछ इतना इजीली कैसे खत्म हो सकता है? यस, अब याद आया. वेयर्स योर CBI टीम प्रिंस? आई नहीं मुझे अरेस्ट करने? क्या नाम था उस ऑफिसर का? खान. CBI ऑफिसर अली खान. नहीं आए? पीके. पुलिस को तो टाइम पे आना चाहिए ना सर, आखिर हम क्रिमिनल्स कितना वेट कर सकते हैं, राइट बॉस? बहुत भाग लिए प्रिंस, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बॉस वेट, वेट प्लीज, ये कॉइन फेक है, इट्स अ कॉपी. गन मुझे वापस दे दो प्रिंस.
क्या सोच रहे हो जान? तुम्हारी माया तुम्हें कैसे मार सकती है? पर सरीना तो मार सकती है ना? हाँ, सरीना, तुम्हारी सरीना जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। Give me the real coin, Prince, or I'll kill you. I promise. असली कॉइन कहाँ है? पकड़ो उन्हें। You can do it. It's showtime. कौन हो तुम? माया। एक और नई माया, एक और नई कहानी। सो व्हाट्स योर स्टोरी?
मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ प्रिंस कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। I'll tell you the truth। ना तो तुम सारंग की राइट हैंड हो और ना ही कोई CBI ऑफिसर। तुम और मैं तो प्रोफेशनल चोर हैं। हम दोनों कई बरसों से सारंग के साथ काम कर रहे थे। फिर वही कहानी, नया ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग। आगे बोलो। कुछ महीने पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम ये काम छोड़ देंगे एंड सेटल डाउन। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। सारंग का ऑर्गेनाइजेशन एक वन वे स्ट्रीट है जहां कोई यूटर्न नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम सारंग को मार दें या फिर उसे अरेस्ट करवा दें। We chose the second option। हमने CBI ऑफिसर खान को कॉन्टैक्ट किया। हमने उसे ऑफर दिया कि हम सारंग को अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसके बदले हमें अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से आजादी चाहिए। खान मान गया। कुछ दिनों बाद सारंग ने हमें एक एंटी गोल्ड कॉइन चोरी करने का काम सौंपा। हमें जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। प्लान ये था कि चोरी करने के बाद जब हम कॉइन की डिलीवरी सारंग को करेंगे तब ऑफिसर खान उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेगा। प्लान जितना अच्छा था उतना मुश्किल भी था। Unknown elements on the bridge. Copy that. Hold the convoy. Hold the convoy. Alpha team, clear the bridge now. Move out! Move out! Move, move, move! Hey, you! Put your hands up in the air right now! Leader to Eagle 1 and 2. Take position. Take position. Eagle 1, coming into position. Two coming into position. I have a clear shot. All units move up. Blue team, stay with the package. I repeat, stay with the package. Put your hands up in the air. It's a hologram. Code red, code red. Eagle 1 and 2, do you see anything? Speedboat approaching. Look down under the bridge. Copy that. Take position. Go, go, go. Move back. Take position! कामयाब तो हुए, पर ये नहीं जानते थे कि वो कॉइन और उस रॉबरी से हमारी आने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। Go on। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी प्रिंस। इसके आगे की कहानी तुम्हें खुद CBI ऑफिसर अली खान बताएंगे। You should have let me kill him, Sarang. क्यों रोका मुझे? सरीना,
डोंट मेक इट पर्सनल एवर अगेन. जब तक वो असली कॉइन मिल नहीं जाता उसका जिंदा रहना जरूरी है. मरना तो उसे है ही. 2 साल तक प्यार किया है, 2 दिन नफरत भी कर लो. अभी तो सिर्फ तुम्हारे प्रिंस की एक आह निकली है. अभी तो बहुत दर्द होना बाकी है, बहुत खून बहना बाकी है. हेलो प्रिंस, लगता है मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. खान, अली खान. वैसे तो हमारी दुश्मनी या यूं कहूं दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन यह वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है. तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सारंग ने तुम पर कॉइन इस्तेमाल किया है. सिर्फ एक सवाल. What the bloody hell is this coin? बताता हूं. कम लाइट्स. इस कॉइन की बायोग्राफी यहीं से शुरू होती है. तारीख 24 अगस्त 2001. जगह ग्वालियर की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी. किरदार देश के चुने हुए साइंटिस्ट की एक टीम जो सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी, जिसमें सबसे जहीन थे ये डॉक्टर राम. पूरे 8 साल बाद डॉक्टर राम को उनके सीक्रेट मिशन में कामयाबी मिली. मिशन आईग्रिप का था. आईग्रिप इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी थी. ऐसा क्या बना रहे थे डॉक्टर राम? डॉक्टर राम ने एक पाथ ब्रेकिंग मेमोरी चिप बनाई थी. इस चिप के जरिए ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर डिस्क पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. उसे ऑल्टर करके फिर ह्यूमन ब्रेन में री इम्प्लांट किया जा सकता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस चिप के जरिए किसी भी आदमी की पूरी सोच को बदला जा सकता है. दुश्मन की मेमोरी को ऐसे बदला जा सकता है कि वो इस बात पर यकीन करने लगे कि वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है. एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी की मेमोरी को हजारों लोगों में इम्प्लांट करके उन सबको सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है. एक क्रिमिनल की मेमोरी को बदलकर उसे अच्छा आदमी बनाया जा सकता है. द पॉसिबिलिटीज वर इमेंस मेडिकली एंड ऑल्सो फॉर द कंट्रीज डिफेंस. ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है प्रिंस, तुम्हारे साथ. 2 हफ्ते पहले जब डॉक्टर राम इस मेमोरी चिप का प्रेजेंटेशन आईग्रिप को करने वाले थे, उसी वक्त उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिली. वो चिप और उसका सॉफ्टवेयर भी मिसिंग था. टीम की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह काम उनके असिस्टेंट का था जो चिप को चुराकर साउथ अफ्रीका फरार हो चुका था. आईग्रिप की इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि यह सौदा उसने किसी शेरी नाम के आदमी के साथ किया था. शेरी एक बहुत बड़ा एंटीक डीलर है जो केप टाउन से ऑपरेट करता है और सारंग का सबसे बड़ा राइवल भी. वो डिफेंस सीक्रेट्स और आर्म्स की स्मगलिंग का धंधा करता है. शेरी इस चिप की कीमत को जानता था. उसने अपने इंटरनेशनल बायर्स को इस चिप के बारे में इन्फॉर्म किया और उसे बेचने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान बनाया. अक्सर डर्बन में ऑक्शन के जरिए शेरी अपने कीमती एंटिक्स बेचा करता था और इसीलिए उसने इस चिप को एक एंटीक कॉइन में छुपा दिया. एग्जैक्टली. प्लान ये था कि डर्बन के एक एंटीक ऑक्शन में उस चिप को कॉइन के जरिए बेचा जाए ताकि डील ऑफिशियल रहे और बायर्स चिप को आसानी से देश के बाहर ले जा सके. शेरी ने अपने दूसरे एंटीक के साथ चिप वाले कॉइन को भी लोकल पुलिस प्रोटेक्शन में केप टाउन से डर्बन भेजने की तैयारी की. शेरी का प्लान अच्छा तो था, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो उसके सबसे बड़े राइवल के पास था. तुम दोनों दुनिया के सबसे चालाक और प्रोफेशनल चोर. हमने जब उस कॉइन को चुराया तब हमें उसकी असलियत का पता नहीं था. कॉइन हमारे हाथ में था और सरीना हमारे सामने खड़ी थी. या तो सारंग को हम पर शक हो गया था या फिर वो कॉइन के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता था. यही वजह थी कि हम ऑफिसर खान को कॉन्टैक्ट नहीं कर सके. हम नहीं जानते थे कि उस दिन किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल सब बदल जाएगा. खेल वही खेलना चाहिए
जिसमें जीत पक्की हो। खेल चाहे कोई भी हो, जीतना आना चाहिए। Let's shake hands. कॉइन मेरे हाथ में है और कैश तुम्हारे। इस वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। कॉइन, प्रिंस, माय नंबर वन मैन, क्या डील ऑफर की है ऑफिसर खान ने मुझे पकड़वाने के लिए? जी करता है कि अभी गोली मार दूं, लेकिन हथियार पर जब जंग लग जाए तो उसे तोड़ा नहीं जाता, उसका जंग साफ किया जाता है। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है प्रिंस, ये चिप चुरा कर। जानते हो चिप क्या है? इस चिप से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकता हूं। आई कैन री राइट लाइफ विद इट, स्टार्टिंग विद यू। माइक, आज मैं तुम्हारा ये जंग साफ कर दूंगा, इसके जहन से माया की हर याद निकाल दूंगा। कुछ भी नहीं बचना चाहिए माइक, मुझे वो प्रिंस चाहिए जो सांस ले तो सिर्फ सारंग के लिए, उसका हर कदम उठे तो सिर्फ मेरे लिए। I want Prince, my number one man. रिलैक्स माया, आज प्रिंस नहीं, मैं तुमसे कहूंगा, इट्स शो टाइम। वी आर रेडी सर। देख लो माया, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारी यादों से आजाद हो चुका है। अगली बार जब ये सोकर उठेगा तब ना तुम इसके जहन में रहोगी और ना ही इसकी दुनिया में। स्टॉप, नोबडी मूव्स। चिप मुझे वापस दे दो प्रिंस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो तुम कर रहे हो सारंग। माया वॉज राइट, बहुत पछताओगे। Ah!
हमारे अलग होने से पहले ये डिसाइड हुआ था कि हम बीच हाउस पर मिलेंगे, लेकिन मैं वहां पहुंची तो देखा पीके पहले ही वहां पहुंच चुका था। मैं समझ गई कि सारंग को वो कॉइन अब तक नहीं मिला है, वो अब भी उस कॉइन को ढूंढ रहे थे। सारंग से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए मैं तुम्हें चोरी छुपे ऑब्जर्व करती रही और कॉन्टैक्ट करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही। इसका मतलब है अलग होने के एक घंटे बाद भी मुझे सब कुछ याद था, लेकिन माइक ने तो उस चिप के जरिए मेरी मेमोरी निकाल दी थी। जिस तरह कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद उसके सारे ट्रेसेस खत्म करने के लिए उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन में उस वक्त तुम्हारी मेमोरीज का इमेज था जब तुम रात को सोए और सुबह उठे तो तुम्हारी सारी इमेज साफ हो गई। अब सवाल सिर्फ उस कॉइन का नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का है प्रिंस, जिससे अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है। डू यू थिंक वो खान से मिल चुका है? आई नो वो खान से मिल चुका है। ओह, तब तो उसे सब कुछ पता चल गया होगा। उसे सब पता होता तो वो खुद भाग कर मेरे पास आता, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिला तो कल की सुबह प्रिंस की आखिरी सुबह होगी। प्रिंस, मैंने एक बात ऑफिसर खान से छुपाई है। उस दिन तुमने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था। माया, मैं सेफ हूं, मैंने कॉइन छुपा दिया है, उस पे गांधी जी की नजर है। माया, लेटर्स का ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने ये मैसेज किसी लैंडलाइन से फोन करके छोड़ा है, जरूर ये पे फोन होगा। वी शुड ट्रैक इट डाउन। आई हैव ऑलरेडी ट्रैक्ड इट डाउन। ये फोन बूथ ऑसबॉर्न रोड पर है। लेट्स गो। मैंने अपने मैसेज में कहा था कि मैंने कॉइन गांधी जी के हवाले किया है और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी माना जाता है। ओके, शायद कॉइन इसी में होगा। तुम एक काम करो, बाहर जाकर नजर रखो, मैं ये खोलता हूं। रूम है और यहीं से हमने अपनी सारी हाईटेक रॉबरीज प्लान की है। अच्छा हुआ तुमने पीके को इस बारे में नहीं बताया। फ्रेंड्स, ये मामूली आईसी नहीं है, ये हाई पावर ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं और ये है इनका रिसीवर। Move, Jack. Check in the kitchen. One guy, go inside. Oh. Boss, you're right. Maya and Prince were here. We had to follow them too, but... But you lost them. Right, boss. If you don't have to know until the morning, then you'll be lost. Come on, guys. Let's go find them. Come on, move it! इतने बड़े शहर में कहीं एक छोटी सी चीज छुपी है जिसे सब चाहते हैं। तुम ढूंढ लोगे? ये कॉइन दिखता कैसा है? हाउ डज इट लुक?
बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नकली कॉइन था जो तुमने सारंग को दिया था। राइट लेकिन मैंने वो नकली कॉइन अपने जूते में छुपाया क्यों था? तुमने नहीं, मैंने। वो नकली कॉइन मैंने रखा था। तुमने? सरीना अपना पूरा जाल तुम पर फैला चुकी थी। तुम उसे असली माया समझने लगे थे। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे सामने भी आ जाती तुम मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने वो नकली कॉइन तुम्हारे जूते में छुपाया। लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। I promise you, Maya, मैं उस कॉइन को ढूंढ के रहूंगा तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग प्रिंस। डोंट बी सो सरप्राइज्ड, मैं तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था। हाउ डू यू से दिस, लाइफ इज टू शॉर्ट। अब तो तुम ब्रेन मैपर के बारे में सब कुछ जान गए होगे, सब कुछ, पर एक डिफेक्ट जो अभी बचा है। और उस डिफेक्ट का इफेक्ट यह है कि तुम जितनी बार सो के उठते हो उतनी बार तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैश होती है। और इस क्रैश के सिम्टम्स है नौशिया, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस और हेडेक। और अगर तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में रीलोड नहीं की गई तो बार बार ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन क्रैश होता रहेगा। इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है प्रिंस, सडन डेथ। इस हालत में तुम 6 दिन जी सकते थे, आज 6ठा दिन है। इनफैक्ट अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। कॉइन ढूंढो और मेरे पास आके अपनी मेमोरी ले जाओ। आई नॉट किल यू प्रिंस, जस्ट गिव मी द कॉइन। प्रिंस, आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई। एटलीस्ट अपनी यादों के बिना तुम्हें मरना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो प्रिंस? महात्मा गांधी मेमोरियल पोस्ट ऑफिस, ऑसबॉर्न रोड। ये तो उसी फोन बूथ के पास में है। महात्मा गांधी पोस्ट ऑफिस डर्बन में? माया, आई थिंक दिस कुड बी इट। वी शुड गो चेक इट आउट। माया, ऑल द सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैव 6 digits ऑन देम। हर लॉकर पर 6 नंबर है। मैंने अपने मैसेज में कहा था कि गांधी जी के हवाले कर दिया है। और लेटर्स का ध्यान रखना, राइट? राइट। GANTHI, 6 letters। अपना फोन देना, क्विक। GANDHI 426344. We're looking for 426344. 2634. Come, let's go. Hi. What can I do for you, sir? We'd like a safety deposit box. Oh, that will be 50 rands. Yeah, please fill up the form. Is it possible to get 426343? I'll just check that for you, sir. 426343, please. Ah, you're in luck, sir. It's vacant. Thank you. May I? Sure, sir. Maya. Hmm? Security cameras. Cover me.
रास्ता यहीं खत्म होता है प्रिंस। द कॉइन प्लीज। प्रिंस, सारंग ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। यू नो, उसकी जगह अगर मैं होता ना तो उससे भी बुरा करता। शेरी, गुड। अब मुझे प्रिंस को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो कॉइन तुमने मुझसे चुराया था।
Come on, Prince. Be a good boy. And give me my coin back. Coin ek. Aur mangne wale do. Maya? Guys, get ready. Go! Ah!
क्या हुआ? कॉइन इसके पास नहीं है। कॉइन भी नहीं मिला और प्रिंस को भी उठा लिया। कॉइन इसके पास नहीं तो माया के पास होगा और अपने प्रिंस की जान बचाने के लिए माया हमें वो कॉइन देगी। हाँ, आज वो कॉइन देगी, कल वो और प्रिंस मिलके हमारी जान भी लेंगे। Will you shut up? शेरी हमें उस कॉइन के 100 मिलियन देने वाला था। शेरी तो मर चुका है। So what? अब सारंग देगा। सरीना, कहाँ गए वो लोग? निकल गए। Let's go. Mike? Hello, Mike? नहीं, प्रिया। मुझे पता है कॉइन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम सारंग के पास जाओ। उससे पहले तुम्हें मेरे पास आना होगा। ब्रेन मैप सारंग के पास है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास? मेरे पास प्रिंस है। माया कहाँ हो तुम? ऑफिसर खान, उनका लोकेशन मिल गया है। माया, वी नीड द कॉइन। यू विल गेट इट, बट फर्स्ट आई हैव टू सी प्रिंस। द लोकेशन इज जस्ट अ सेक। या टेल मी ओशाका सी वर्ल्ड सी पॉइंट, टू ऑफ देम। ओके माया, we'll be there in a moment, you just hold for it, okay? Mil gaye, let's go. कॉइन एंड योर गन। पहले ये बताओ कि तुम प्रिंस की जान कैसे बचा सकते हो? मेरे पास ब्रेन मैपर के सॉफ्टवेयर की कॉपी है, जो मैंने सारंग के लैपटॉप से बनाई थी। ये प्रिंस की जिंदगी का सवाल है। How can I trust you? You have to, Maya, you have to. सारंग तो कॉइन मिलते ही प्रिंस को खत्म कर देना चाहता था। मैंने ये कॉपी प्रिंस की जान बचाने के लिए बनाई थी। प्लीज माया, बिलीव मी, प्रिंस के पास वक्त बहुत कम है। Gun. Let me see, darling. जिस कॉइन के लिए सब हो रहा है वो आखिर दिखता कैसा है? प्रिया, प्रिंस के पास वक्त बहुत कम है। प्लीज बेबी, आई जस्ट वांट टू सी इट। थैंक यू। ये क्या कर रही हो प्रिया? चलो कॉइन दो अभी प्रिंस को। यू आर सो स्टूपिड माइक। तुम्हें क्या लगा था
कि मुझ जैसी लड़की को तुम जैसे इडियट के साथ प्यार हो सकता है? नो माया, इस रूम में सिर्फ एक ही इडियट है और वो मैं नहीं हूं. आई विल शूट इफ आई हैव टू. बाय लूजर. प्रिया ने ठीक कहा. यू आर अ लूजर माइक. डोंट वरी माया, प्रिंस को कुछ नहीं होगा. एंड आई एम नॉट अ लूजर. असली कॉइन मेरे पास है. प्रिया की बातों में लालच का वायरस मैंने बहुत पहले ही स्कैन कर लिया था. तो वो कौन सा कॉइन था? वही डुप्लीकेट कॉइन जो तुमने प्रिंस को दिया था और प्रिंस ने सारंग को. जब मैं सारंग के लैपटॉप से पूरा ब्रेन मैपर चुरा सकता हूं तो एक कॉइन नहीं. This is it. Here goes. अपनी यादों के बिना तुम अधूरे हो प्रिंस, और तुम्हारे बिना मैं. वापस आ जाओ प्रिंस, वरना ये लड़ाई हार जाएंगे. सनम यू ना कर सितम, तेरी बाहों में मर मिटेंगे हम. अभी जा सनम यू ना कर सितम, तेरी बाहों में मर मिटेंगे. जीने का एक मौका मिला था, लेकिन शायद तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है. सरीना, हम जानते हैं तुम यही हो. But there is no escape for you this time. Do you hear me? No escape, Sarang. Put your hands up and come out one by one. Prince, I'm Sarang, Prince.
जाने दो उसे, कॉइन हमारे पास है। गो। अंदर से फायरिंग कम हो गई है, लगता है उनका एमिनेशन खत्म हो रहा है। नो, सारंग भाग रहा है पीछे के रास्ते से। डोंट वरी प्रिंस, सारंग का लोकेशन हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। कर्नल खन्ना उसके पीछे क्या है? कर्नल खन्ना उसके पीछे नहीं, उसके साथ क्या है? What the hell? ब्लैंक्स। आईग्रिप की सभी बंदूकों में गोलियां नकली थी। मतलब है कि हम गलत थे। We were wrong the whole time. सारंग ने पहले खन्ना को खरीद लिया था, उसके पास हर चीज की डिटेल्स थी। He knew bloody everything. And now we bloody lost him. Trust us, Officer Khan. We'll find him. How? We just won't be able to find him now. We will. सारंग जहां भी गया होगा अपने जूते पहन के गया होगा। आई एम सॉरी, लेकिन अच्छी खबर के लिए कभी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। कॉइन तुम्हारे हाथ में है? हाँ, और कुछ ही देर में वो तुम्हारे हाथ में होगा। सारंग, या आखिर हम जा कर रहे हैं? इज इट सेफ? मैं तो सेफ हूं। डोंट नो अबाउट यू। व्हाट? जस्ट किडिंग। बाहर देखो खन्ना, ये शराकिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का वो हिस्सा जो किसी का भी नहीं और सबका है। यहां से 7 किलोमीटर आगे एक बेस कैंप है। यहां दुनिया की हर सरकार का हर हथियार मिलता है, लेकिन दुनिया की किसी सरकार का कोई हथियार हम तक नहीं पहुंच सकता। खन्ना को यह भी बता दो कि प्रिंस कहीं भी पहुंच सकता है। तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? अपने जूते से पूछो सारंग। जूते से? Thank you.
Bastard. Sarang. Coin. Ah.
सनम यू ना कर सितम तेरी बाहों में. Sanam, you na kar sitam.